हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक वापस से नए वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? आए सब लोग अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। और भाई अभी हम हैं दादर नगर हवेली एंड दमन दीप। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कल मैं आया था त्र्यंबकेश्वर से तो गुजरात की तरफ जा रहा था, तो ये बीच में ही पड़ता भाई, नीचे नीचे से। तो रात हो गई थी तो भाई यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ पे एक मंदिर मिला भाई, बहुत बड़ा मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का है। ये रोड से थोड़ा 1 किलोमीटर है मैं रोड से, तो रात को यहीं रुका था भाई। यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी लगी, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये है भाई मेन मंदिर बाबा भोलेनाथ का, बहुत बड़ा मंदिर है भाई। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा दर्शन करने के लिए, दुकानें भी लगी हुई यहाँ पे। इधर गार्डन भी है मंदिर की तरफ से। तपोवन पर्यटक निवास बिंद्राबीन, एंट्री गेट है, गार्डन का बगीचा है भाई, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे रखे यहाँ पे। ये ऊपर नारियल के पेड़ खड़े भाई, पूरा नारियल ही नारियल है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अशोक स्तंभ, इधर बैठे बाबा भोलेनाथ। काफी अच्छा है भाई, काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी सुबह सुबह लोग आए हैं घूमने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा आम लगा भाई, ये देखो कितना बढ़िया बना गया, राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम, गुदेदार, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह 1 रुपये, ये देखो 1 रुपये का नोट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दर्शा गई भाई यहाँ पे। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सिंह, राष्ट्रीय ध्वज, ये है भाई देश का प्यारा तिरंगा। पूरे देश के आधार पर पूरा बगीचा बना दिया भाई यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय जलीय जीव मछली, राष्ट्रीय पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, ये भाई बरगद खड़ा है, ये तो नोकेल है भाई, दर्शा गया बस। काफी बड़ा गार्डन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारतीय राष्ट्रीय माँ, राष्ट्रीय गान, सब कुछ यहाँ पे दर्शा गया पूरा देश के ऊपर। इधर देखो क्या नारियल ही लगा है, ये क्यों नोकिल लगाए, जब ओरिजिनल नारियल है भाई यहाँ पे खड़े है तो नोकिल क्यों लगाए गए नारियल का पेड़। राष्ट्रीय गान, अभी इस जगह पे हम हैं ना, इस जगह का नाम खानबेल है, दादर नगर एंड हवेली है, दमन दीप में पड़ती है, और इसकी कैपिटल ना दमन है, और यहाँ पे दो बड़े शहर है, एक सिलवासा एक शायद दमन है, पता नहीं कौन सा। तो भाई भाई पूरा आदिवासी एरिया है, कल मैं आ रहा था ना पूरा शॉर्ट जंगल ही जंगल, पूरा शॉर्ट रास्ता आया था ना, तो पूरा जंगली जंगल था भाई, बड़ी मुश्किल से हाईवे मिला है। पर रात हो गई थी तो मैं यहीं रुक गया भाई, चलो यहाँ पे मंदिर में रुकने तो दिया कम से कम, कहीं कहीं तो मंदिर पर रुकने ही नहीं देते भाई, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है भाई। सिलवासा, इसके आगे सिलवासा लगेगा, देखो सिलवासा पहुँचेंगे आज, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी, ये पूरा गार्डन है। यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटीज के लिए काफ़ी यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, और बगल में भाई यहाँ पे नदी भी है, वो देखो मस्त पानी बह रहा है भाई, मंदिर के पीछे है, बहुत बड़ी जगह है मंदिर की, बहुत हर चीज़ है यहाँ पे, गार्डन है, बगीचा है, वो देखो भाई
मस्त पानी बह रहा है। पीछे ना पूरा जंगल है, देखो काफी अच्छा है। इधर पूरा गार्डन है, बगीचा है। घूम रहा है मस्त, काफी लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। इधर है हिरन, ये देखो हिरन। इधर बैठने के लिए है, ऊपर छतरी है भाई, धूप नहीं लगेगी आपको। काफी अच्छा है। चलो भाई मंदिर को थोड़ा अंदर से दिखाते हैं आपको। तो फाइनली अभी आ चुका हूँ मंदिर से बाहर मैं रोड पे, और अभी जा रहा हूँ सिलवासा की तरफ। देखते हैं लिफ्ट मिलेगी तो। सिलवासा बेलाड़ी होते हुए व्यापी और सूरत अहमदाबाद सीधा सोमनाथ जा रहा है, सोमनाथ की तरफ जा रहा है भाई अभी। चलो देखते हैं भाई, धूप हो रखी है भाई अभी, काफ़ी अच्छा मौसम है। चलो भाई फिर मिलते हैं सिलवासा आपको। काफ़ी देर के बाद मैं पहुंच चुका हूँ सिलवासा, और दादर नगर हवेली का सबसे बड़ा शहर है भाई। पीछे ना रास्ता इतना ख़राब है भाई, पूरा रोड का काम चल रहा है ना, तो इसलिए पूरे कपड़े गंदे हो गए भाई। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई सिलवासा। यहाँ पे ना गुजरात और महाराष्ट्र पास पास में ही लगता है, तो महाराष्ट्र की भी गाड़ी देखने को मिलेगी, गुजरात की भी गाड़ी देखने को, और दादर नगर हवेली और दमन दीप